पोको के F6 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर अपडेट है जो आना चालू हो चुका है, जो कि 2.0.104 का है। कुछ टाइम पहले 2.0.103 का ही अपडेट है जो रोल आउट किया गया था, और आज के डेट में एक यूजर्स का कमेंट भी आया कि उन्हें ये अपडेट मिल चुका है, और मैंने रिप्लाई में दिया कि भाई यहाँ पे 4 का अपडेट आज बीटा फेज में आना चालू हो चुका है, तो अगर आप एक बीटा यूजर्स हो तो ये अपडेट आपको देखने को मिलेगा या फिर मिल चुका होगा, लेकिन अगर आप नहीं हो तो नॉर्मल यूजर्स हो तो ये आपको विद इन वीक देखने को मिल सकता है। बट इस अपडेट में क्या कुछ नया देखने को मिलता है, क्या चेंजिंग हमें नजर आता है पोको के F6 डिवाइस के अंदर, वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और बैक टू बैक बहुत सारे अपडेट यहाँ पे इस डिवाइस को देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पोको के टीम की तरफ से बहुत ज़्यादा गलत करी जा रही है इंडियन यूजर्स के लिए, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगता है तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड शेयर। यहाँ पे बात करें फेस अनलॉक की, तो यार फेस अनलॉक प्रॉपर काम कर जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। फिंगरप्रिंट वगैरह भी आपको यहाँ पे अच्छे से काम करता है, अनलॉकिंग एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहता है, शुरू से लेकर अभी तक ऐसा ही है। कंट्रोल सेंटर वगैरह ड्रैग एंड ड्रॉप में कोई भी इशू नहीं आता है, ये सब कुछ है जो बिल्कुल ही परफेक्टली है, जो काम करता है, नो इशूज। फ्लैश लाइट वगैरह के अंदर यहाँ पे जो UI है पहले फुल्ली ब्लैक हुआ करता था, बट हल्का ट्रांसपेरेंट ब्लर देखने को मिलता है, जो कि लास्ट अपडेट में भी मैंने आपको जो शो किया था। कैमरा वगैरह हमारा प्रॉपर काम करता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता और ना ही कुछ नया देखने को हमें मिलता है। साथ साथ यहाँ पे कैमरा UI 6.1 भी आ चुका है, जिसका मैंने वीडियो दिया था, आप चाहो तो अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे अपडेट करने के बाद क्या चेंज नज़र आता है, अगर आप चेंज लुक की मानो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिखा गया है मैक का सिक्योरिटी पैच, और यहाँ पे इंक्रीज किया गया है सिस्टम सिक्योरिटी को, इसके अलावा कुछ भी नया चेंज नहीं है। और ये अपडेट ओनली ऑन 70 MB के आसपास का देखने को मिलेगा, अगर आपने अपने फ़ोन को अपडेट कर रखा है 2.0.103 के ऊपर, तो जब ये 3 से 4 पे जाएगा तो 70 MB के आसपास का अपडेट आपको देखने को मिलेगा, 70 ओनली। लेकिन आपने अगर काफ़ी ओल्ड अपडेट कर रखा है तो आपका फाइल साइज बढ़ जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2.0.101 से स्विच किया है 4 के ऊपर, तो 1.3 GB का देखने को मिला है। तो अपडेट साइज मैटर करता है कि आप कितने लेटेस्ट अपडेट के ऊपर हो या कितने पुराने के ऊपर हो, तो उसके हिसाब से आपको अपडेट साइज वगैरह डिफरेंट देखने को मिलेगा। लास्ट अपडेट में बहुत ज़्यादा लोग कंप्लेन कर रहे थे कि भाई हीटिंग बहुत ज़्यादा आ गया है, बैटरी ड्रॉप बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मे भी इस अपडेट में इसे रिड्यूस किया गया होगा, बट जस्ट मैंने अभी अपडेट किया है तो हैंड टू हैंड बता नहीं पाऊंगा, थोड़ा यूज करना पड़ेगा तभी कुछ आइडिया लगेगा। लेकिन आप अपडेट कर चुके हो तो अपना ओपिनियन शेयर करना है कि इसके बाद जो बग देखने को मिले 1.0.3 के अंदर वो यहाँ पे फिक्स हुए या नहीं, ताकि मैं फाइनल वीडियो में उसे कवर कर सकूँ। और सिक्योरिटी पैच की बात करें हम यहाँ पे, तो हमें देखने को मिलता है 5 मंथ का सिक्योरिटी पैच, जो कि लेटेस्ट अप टू डेट हो चुका है, जो कि पहले हमें 4 मंथ का देखने को मिल रहा था। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन हाँ, एक न्यूज निकल के सामने आ रही है कि जितने भी ग्लोबल डिवाइस के यूजर्स हैं पोको F6 के, उन सभी को 120 FPS मिल चुका है BGMI के अंदर और PUBG वगैरह के अंदर। लेकिन यहाँ पे स्पेशली जो इंडियन यूजर्स है, इंडिया का डिवाइस है पोको F6, इसके अंदर अभी तक यार 120 FPS अनलॉक नहीं करा गया, तो ये मगजमारी क्यों की गई है मुझे समझ में नहीं आता। जबकि BGMI सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है, लेकिन ग्लोबल के डिवाइस के अंदर आप BGMI डालते हो या अपने डिवाइस के अंदर ग्लोबल का रोम डाल लेते हो, तो आपको 120 FPS BGMI पे अनलॉक मिल जाता है ऑफिशियली विदाउट किसी मोड या किसी अदर चेंजिंग के। लेकिन यहाँ पे स्पेशली इंडिया में, जो कि BGMI यहीं पे है सिर्फ ग्लोबल में, तो PUBG है और वहाँ पे ये अनलॉक नहीं देखने को मिलता है। ये चीज़ मुझे यार काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी है, और मुझे लगा कि ये अपडेट जो दिया गया ना, इसमें शायद ये प्रॉब्लम है जो सॉल्व कर दिया गया होगा। अरे क्यों उल्टा पुल्टा घूम रहा है यार, दिमाग क्यों खराब कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जी नहीं, इस अपडेट के अंदर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की गई है, सिर्फ उसे यहाँ पे एक्सट्रीम प्लस का ही ऑप्शन देखने को मिलता है, अल्ट्रा एक्सट्रीम आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। तो पोको टीम क्या कर रही है, सस्ते में से फूक रखे हो, ग्लोबल वाले को दे दिए 120 BGMI के अंदर इंडिया में, जबकि ये है और इंडिया में आप दिए नहीं हो, अपडेट के ऊपर अपडेट दिए जा रहे हो, लेकिन जो प्रॉब्लम फिक्स करनी चाहिए, जो चीज़ें देनी चाहिए, वो तो भाई आप दे नहीं रहे हो। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे है कि यहाँ पे समुद्रस वगैरह में कोई भी डाउनसाइड नहीं आया, और अपडेट करने के बाद कोई भी अपडेट आता है तो उसे सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उस समय परफॉर्मेंस वगैरह थोड़ा डाउन होता है। लेकिन ऐसे में यहाँ पे जब मैंने इसे चेक किया अपडेट करने के बाद हैंड टू हैंड, तो आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा चार्जिंग चेक किया है मैंने, 16 मिनट में 37% चार्ज हो जाता है, जो कि अच्छी बात है टॉप स्पीड ऑन करके, बूस्ट मोड ऑन करके। और यहाँ पे मैंने अनटूटू रन किया, काफ़ी अच्छा स्कोर आया, क्योंकि नॉर्मली फर्स्ट डे इस टाइप का स्कोर नहीं आता, सेकेंड डे आता है या परफॉर्मेंस बूस्ट वगैरह करने के बाद। तो ये नॉर्मल टेस्टिंग है, जहाँ पे टेम्परेचर ओनली 44 गया, जो कि रिड्यूस हो गए 42 आ गया, तो ये मैं कहूँगा कि टेम्परेचर कंट्रोल में दिखाई दे रहा है अभी के टाइम पे, और ये दोपहर के टाइम का टेस्टिंग है, तो भाई थोड़ी सी चीज़ें सही लगी है, बट देखते हैं लॉन्ग यूजेज के बाद। और ये हमारा नॉर्मल गीकबेंच टेस्टिंग, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मैं कहूँगा कि देखने को मिला है।
साथ साथ सीपीयू टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो 389,000 मैक्स, और मिनिमम यहाँ पे 349,000 है, जो कि आपका हुआ है मैक्स, तो काफ़ी कम है, तो काफ़ी कम नहीं है, हल्का फुल्का कम है, लेकिन आप देखो स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है वो भी अपडेट करते ही, जो कि यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है नॉर्मली अगर बाकी अदर अपडेट की बात करें तो। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और वहीं पे अगर मैं गेम ट्रो वगैरह ऐड करके यूज करता तो यहाँ पे और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता। तो ये अपडेट मुझे रियली में थोड़ा सा प्लस पॉइंट की तरफ ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है कि कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली है, सिवाय एक बुरी चीज़ की, वो है 120 FPS का अनलॉक नहीं हो पाना, बाकी यहाँ पे ओवरऑल सारी चीज़ें जो मुझे सही लगी है। और ऐसा कुछ खास नया आया नहीं है क्योंकि 70 MB का ही अपडेट है, इसमें क्या ही कुछ ये लोग नया ऐड कर पाएंगे, लेकिन हाँ एक छोटा सा अपडेट भी आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकता है या फिर डाउनग्रेड कर सकता है। तो अभी के टाइम पे तो ये मुझे प्लस पॉइंट की ओर इशारा करते हुए नजर आता है, बट आप मुझे बताना कि आपको अपडेट मिला या नहीं, नहीं मिला तो वेट करो, ये जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। बस ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो कि आपके साथ शेयर करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।